जिला फतेहगढ़ साहिब का गांव इसरहेल, जहां श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पूर्व को समर्पित समागम करवाए गए, जिसमें पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू विशेष तौर पर पहुंचे। इस गांव की विशेषता यह है कि यह ऐतिहासिक स्थान है जहां श्री गुरु नानक देव जी 7 दिन रुके थे, इसलिए इसरहेल को पंजाब सरकार की तरफ से ऐतिहासिक धरोहर मान इसे विकसित किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पूर्व पर पूरे पंजाब भर में जहां जहां भी श्री गुरु नानक देव जी से संबंधित स्थान है उन्हें विकसित करने का ऐलान किया था। इसी उद्देश्य से उन सभी स्थानों पर विकास कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। इसरहेल भी उन्हीं में से एक है। आज यहां हुए समागमों में शमूलियत करने पहुंचे पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा के इस स्थान पर इसके सुंदरीकरण के लिए पंजाब सरकार की तरफ से 3,85,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके साथ जहां पर गुरु का बाग बनाया जा रहा है उनके साथ पहुंचे जिला फतेहगढ़ साहिब के विधायक कुलजीत सिंह नागरा ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से 3,85,00,000 की ग्रांट जारी की गई है, जिसके साथ गांव इसरहेल का सुंदरीकरण किया जाएगा और सीचेवाल मॉडल भी तैयार किया जा रहा है। गांव में सोलर लाइट्स भी लगाई गई हैं। वहीं उन्होंने व्यंगमयी अंदाज में एसजीपीसी की बात करते हुए कहा कि गुरुद्वारा साहिब की उसारी तो संगत की तरफ से की गई है और इसका सुंदरीकरण पंजाब सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जबकि एसजीपीसी की तरफ से सिर्फ यहां गोलक रखी गई है। वहीं इस बंद में गांव इसरहेल निवासियों का कहना था कि श्री गुरु नानक देव जी यहां ठहरे थे, इसी वजह से यहां गुरुद्वारा श्री थे साहिब सुशोभित है। सरकार की तरफ से इसे विकसित करने के लिए उद्यम किया जा रहा है, जबकि एसजीपीसी की तरफ से अभी तक इसके लिए कोई भी सहयोग नहीं दिया गया। सच्चे पातशाह का 550वां प्रकाश उत्सव अभी मना रहे हैं, उन्होंने चरण छू प्राप्त धरती हैगी है। तो मैं तो इतने देख के जो प्रबंधक कमेटी है कमाल हो गई कि इन्ना अच्छे तरीके उन्होंने एक बाग भी तैयार किया है, गुरु का बाग जिसका नाम दिता गया है, और बड़े अच्छे कैंप भी लाए गए हैं और होर लंगर भी तैयार किया गया है, और एक पिंड दे करोड़ों रुपया खर्च करके सीवरेज सिस्टम में सुधारा गया है। मैं क्या सही मन च इन्होंने पिंड वाले ने बहुत बड़ा एक उपराला किया, सोचे लाखों निवासियों सारे बधाई के पात्र ने। और मैं ये गल जरूर कह सकता कि एसजीपीसी ने जो रोल प्ले करना से उन्हें नहीं अदा किया, जनता कर रही है सरकार, तो इसलिए ये सारा जो काम है चेहरा साढ़े इतों के MLA साहब तो समुची सारी टीम प्लस प्रबंधक कमेटी इलाके पंचायतों तो सरपंचों ने 3,50,000 रुपया इस नगर वास्ते खर्च किया गया, 84,00,000 रुपया खर्च किया गया। मैं डिस्पेंसरी भी अनाउंस की है, डिस्पेंसरी असल बनावे क्या इतने जी गुरु साहब की एक धरोहर है साढ़े को सोचे लागे इतने, तो देखो जोड़ा करीर है किन्ना पुराना है। मैं हूँ ही नगरा साहब ने कहा भी तुम यूनिवर्सिटी तो जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट बुलाओ तो यू आप होर सुधार करिए वधिया बने, देखो 3,50,000 रुपये खर्च किया है तो उस लगातार प्रमोट करना ही है ना, डिवेलपमेंट तो ही किया ना, और कल्चर डिपार्टमेंट है होर सारे कहता वह काम करना। गुरु नानक देव जी की चरण छू प्राप्त धरती इसरहेल इस नगर के थे साहब जरा जिते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तकरीबन 7 दिन जिते इन्होंने इतने भगती की करीर का पेड सगा इत उस वे थे दे उत्ते जिदे थले बैठ के कहें कि उन्होंने अपनी भगती की सी। इस यू पंजाब सरकार ने उन्होंने सारे ही उन्होंने धार्मिक महत्ता वाले गुरु नानक साहब के चरण छू प्राप्त स्थानों के लिया सी, और तकरीबन 3,83,00,000 रुपया जोड़ा हैगा आ जिथे इस तकरीबन 6.5 एकड़ जगह जी गुरद्वारा साहब के आसे पासे देख रहे हो, जिथे हूँ ये बड़ा वड्डा एक पार्क तुसी देख लो जिथे कैंप लग्या होया बनाया गया आ, ये गुरु का बाग है जिदे विच गुरु ग्रंथ साहब के जिन्हें भी दरख्त जिहड़े आउंदे ने जिन्हां दे नां आउंदे ने उन्हां नूं अलग अलग तौर उन्हां दरख्तां नूं लिया के इत्थे लगा के गुरु का बाग तैयार किया गया आ। इस तरीके दे नाल परली साइड के उत्ते इहदी पूरी 6.5 एकड़ के जिहड़ी हैगी है इहनूं इहदी सुंदरता नूं होर वधिया बनाउण लई इस जगह दी नूं तुसीं देखिया जिवें आ सारे पत्थरां दे नाल चारे पासे तों इस थे नूं जिहड़ा हैगा आ उह प्रजर्व किया जा रिहा हैगा आ, जिहड़ियां इहदियां पुराणियां चीज़ां जिन्नियां वी हैगियां ने उहनां नूं प्रजर्व किया जा रिहा है। पिंड दे विच जिथे सीवरेज सिस्टम धर्मशाला डिस्पेंसरी और सीचेवाल प्रोजैक्ट पार्क जो तुम हूँ जाओगे और साथ ये नाल जिन्नी भी उतों की जी पिंड की सड़क है फिरनी है सारा जोड़ा हैगा आकरीबन लाइटा सोलर लगिया हुई देखा होगा ये उत्ते
ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੋ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 3,85,00,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਗ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਟਾ ਪਿਆ ਮਕਾਰੋਂਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਸ ਥੇ 'ਤੇ 7 ਦਿਨ ਬਰਾਜਤ ਪਏ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 550ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਸ਼ਿਵ ਦੁਲਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਪਰ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 10,00,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇਣਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਈਆ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਆਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਸਿੱਚਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਚਾਰੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਸਾਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਓ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਢਵਾਣਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।